और जिस दिन मुबशर भाई की बेगम ने वीडियो देख ली ना आप दोस्तों की जो आप बना रहे हैं दूसरी शादी के ऊपर, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे और दुनिया आखिर की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का व्लॉग करते हैं जो शुरू, काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। जुम्मे वाले दिन मैंने बनाई थी वीडियो, लेकिन उसके बाद मुझे कुछ मिला ही नहीं ऐसा कि मैं कुछ वीडियो बनाऊँ, तो बस आज मैंने अल्लाह का नाम लेके शुरू किया है। देखें आज दिन कैसा गुजरता है। तो अभी नहा के फ्रेश हुआ हूँ, कपड़े वगैरह मैंने चेंज किए हैं क्योंकि क्लास का भी टाइम है और थोड़ा सा मैं लेट हो चुका था, तो मैंने सोचा चलो लेट तो हो ही गए हैं, थोड़ा सा और हो जाए। तो बस अभी नाश्ता करना है, थोड़ा सा ही करेंगे क्योंकि टाइम भी कम है, पहले थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, तो जल्दी से नाश्ता करके फिर क्लास में चलेंगे। मेरी तकरीबन अभी वापसी हुई है, 12 बजने वाले हैं, क्यों मैंने आज 11 बजे ही छुट्टी ले ली थी क्योंकि छोटा सा काम था मुझे बैंक में, तो बैंक में तकरीबन मुझे आधे से पौना घंटा लगा, बस थोड़ा सा प्रॉब्लम था वो ठीक करवाना था, तो वो करवा के अभी वापसी आए हैं। तो अभी कुछ नीचे के हालात देखते हैं, मैं सीधा ऊपर ही आया हूँ क्यों काफ़ी दिन से प्रोग्राम बना रहे थे बैंक में जाने का, तो टाइम ना मिलने की वजह से ये नहीं जा सके, तो आज फिर चक्कर लग ही गया हमारा। पहले टाइम फिर आज इतना बड़ा तो थोड़ा सा नीचे से शुरू कर दो, ठीक है। पहला लफ्ज बड़ा लिखते हैं, पिलाऊं दवाई पिलाऊं हैं, बड़ा लिखते हैं बड़ा लफ्ज के पापा से पीनी है शुरू होता, दिखा रहे सर क्या गंद मार दिया, उतरेगा भी नहीं। मैं भी लाऊं, ये कलर क्यों लगाया है? इसके साथ पिए आप क्या करने आए? आपने भी पीनी है? क्या हुआ है आपको? इधर चोट लगी है, वो तो इधर लगी हुई है। अभी क्लास से आया था, तकरीबन असर के वक्त आया था और आते ही ये पहले थोड़ा सा छोटा सा काम किया था, फिश को मसाले वगैरह लगाए थे तो वो मैरिनेट हुई है अभी, तो मिल के लगाए थे और मैं अकेला नहीं था, साथ मामी जी थे, तो अभी घंटे के बाद इसको फ्राई करेंगे तो भी आप दोस्तों को दिखाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल मैरिनेट होने के लिए रखी हुई है। मुबशर भाई ने दूसरी शादी की है तो भेड़ चाल की तरह जो जहाँ जा रहा है हर आदमी व्यूज़ लेने के चक्कर में उनके पीछे जा रहा है, ये नहीं सोच रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या बातें कर रहा हूँ और मैं क्या अपनी वैल्यू क्या दिखा रहा हूँ। ये जैसे आप दूसरों के बारे में बात करते हैं उसकी सेहत पर कोई असर नहीं है, वो बहुत पुराने यूट्यूबर हैं और उन्होंने अपनी एक इमेज अपनी YouTube पे बनाई हुई है, आज तक कभी उन्होंने किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं की है, अभी भी देख लें उनके ख़िलाफ़ काफ़ी वीडियो बन रही हैं लेकिन अभी तक किसी का उन्होंने जवाब नहीं दिया है। ये उनकी एक जो तरबियत है उसमें कुछ पता चल रहा है कि तरबियत अच्छी की हुई है और बस देख रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं कि किस हद तक ये आवाम जाएगी हमारे ख़िलाफ़। तो ये आप अपनी इमेज दिखा रहे हैं कि हम क्या हैं, कहाँ तक जा सकते हैं, हमारी वैल्यू क्या है,
बस एक व्यूज के चक्कर में, व्यूज लेने के चक्कर में इंसान कितना नीचे गिर जाता है। तो उनके जो पास रहने वाले हैं वो जब कह रहे हैं कि मुबशर भाई की शादी दूसरी नहीं हुई है अभी तक, तो हम और आप कौन होते हैं जो उन पे एक उंगली उठा रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है। किसी की लाइफ में ऐसे दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, और इतनी गिरी हुई बातें जो बंदे को खुद ना पता हो और दूसरे जो बाहर वाले लोग हैं वो उसके ख़िलाफ़ ऐसी बातें कर रहे हों, और ये एक किस्म की गीबत शुमार की जाती है। और गीबत ऐसी चीज़ है जो किसी इंसान की पीठ के पीछे से उसकी बातें की जाएं, और जब उसको पता चले और उसको दुख हो, उस पर एक तकलीफ़ हो, तो उसको गीबत कहते हैं। और गीबत जिना से ज़्यादा इसका गुनाह है, इतना जिना का नहीं है जितना इस गीबत का गुनाह है। क्यों? जब जिना इंसान करता है तो उसको पता होता है कि मैंने गुनाह किया है, लेकिन ये बात ही ऐसी है कि इसमें एक गुनाह भी हो रहा है और इंसान इसको गुनाह समझता भी नहीं है, और उनके ख़िलाफ़ इतनी इतनी वीडियो बना रहा है, उनके ख़िलाफ़ इतने कदम उठा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। और आप उनकी लाइफ में इतनी बुरी बातें ना करें जो बाद में मुंह दिखाने के काबिल ना हो, ये उनकी सेहत पे कुछ असर नहीं होगा, ये आपकी अपनी वैल्यू पे असर होगा। और जो कुछ आप दिखा बोल रहे हैं वो आपके अंदर खुद पाया जाएगा। तो बस आज मैंने ये सोचा था, मैंने 3-4 वीडियो देखी थी तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप उनके ख़िलाफ़ ऐसी ऐसी बातें करें, और जो उनको पता भी ना हो, शायद उनको भी ना पता हो, कभी उन्होंने तसव्वुर भी ना किया हो कि मैं दूसरी शादी करूँगा, और आप दोस्त उनके ख़िलाफ़ वीडियो बना रहे हों और बता रहे हों कि उनकी दूसरी शादी हो चुकी है। तो अगर हो चुकी है तो आप उनको तस्दीक करें, उनके पास जाएं, वो जिसके साथ हुई है उसको भी सामने लाएं, फिर बात बनेगी, फिर मज़ा आएगा। तो ऐसे पीछे बैठ के अपने घर में बैठ के ये बात करना है कि उनकी शादी दूसरी हुई है, तो ऐसे मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो देखने वाले हैं वो भी थोड़ा सा गौर करें, और जो बनाने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ वीडियो, और वो भी थोड़ा सा इस बात पे गौर करें। तो मैं भी किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बस थोड़ा सा कि बात बहुत गलत है जो हम कर रहे हैं, भेड़ चाल की तरह पीछे लगे हुए, एक वीडियो बनती है और सब उसी के पीछे चलते हैं, तो ये ठीक नहीं है। और जिस दिन मुबशर भाई की बेगम ने वीडियो देख ली ना आप दोस्तों की, जो आप बना रहे हैं दूसरी शादी के ऊपर, तो वो आपके घर में आके पिटाई करेंगी, क्योंकि जो औरत का गुस्सा होता है ये बहुत ख़तरनाक होता है, वो भी दूसरी शादी पे। दूसरी शादी पे जो गुस्सा आता है ना, उनको तो कुछ नहीं कहेंगी, लेकिन जो असल गुस्से का निकल है ना, वो आप दोस्तों पे ही निकलेगा। तो थोड़ा सा ख्याल से चलें। अभी हम नीचे चलते हैं, क्यों काफ़ी टाइम हो गया ऊपर बैठे को, तकरीबन घंटा होने वाला है। अब बस फिश फ्राई करेंगे हम, और फ्राई करते हैं और आप दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं। तकरीबन मैरिनेट होगी घंटा ही रखना था, क्यों अब टाइम कम है, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम ही उसको मैरिनेट पे लगाएंगे और उसको तलाई करेंगे। फ़िश की तलाई मैंने दिखाई थी, जो उसकी आखिरी लुक थी वो मैं नहीं दिखा पाया, बस मैंने जल्दी जल्दी से खाई है, और क्लास का टाइम हो रहा था तो लेट भी हो रहा था, बस फिर मैंने फौरी निकलने का किया है। तो बस अभी तकरीबन टाइम हो रहा है, ये रात का टाइम हो रहा है, 9:03। तो अभी वापसी हुई है, तो बस अभी थोड़ा सा मोबाइल पे देखेंगे, और कुछ मैंने सबक याद करना है इसमें, मोबाइल में किताबें भी मैंने डाउनलोड की हुई हैं, बस वो थोड़ा सा देखेंगे, फिर उसके बाद सोएंगे। बस आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा, और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।